मोहम्मद शौकीन सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, होपफुली आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। सर मेरे एक बात समझ नहीं आ रही है कि मैं नेट की तैयारी करूं या आरओ एआरओ की तैयारी करूं। वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। चलिए मैं बता देता हूं आपको क्या करना चाहिए, आपको एकदम समझ आ जाएगा। मैं अगर आपकी जगह हूं तो कैसे डिसीजन लूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। आरओ और एआरओ, ठीक है, और नेट। देखिए नेट से आप बनते हैं प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल लाइक जैसे डॉक्टर, जैसे इंजीनियर, जैसे लॉयर, जैसे सीए, जैसे आर्किटेक्ट, वैल्यूअर, बैंकर, रेडियोलॉजिस्ट, टीचर, मैकेनिकल। ठीक है, आर ओ आर आई जस्ट लाइक अ रेगुलर जॉब, टाइम से जाना, टाइम से आना, ठीक है, मंथली सैलरी, ठीक है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड, यदि आपको जीवन में सिर्फ एक निर्धारित पोस्ट पे जाके काम करके अपना जीवन गुजारना है तो आप आर ओ ए आर ओ की तैयारी कीजिए। लेकिन यदि आप अपने अंदर खुद की कोई स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, जैसे नेट का नेशनल एजुकेशन टेस्ट है, उसके बाद आप कहीं ना कहीं और दूसरे जो एजुकेशन फील्ड है उस फील्ड में अपने लिए और बेहतर रास्तों के लिए तलाश कर सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते तो आप आर ओ ए आर ओ की तैयारी कीजिए। यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ओके है और आपको थोड़ा बहुत परिवार का सपोर्ट है तो आप नेट के लिए जाइए। प्रोफेशनल डिग्री ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, ना कि किसी जॉब से। कोई काम नेट को करने से प्रोफेशनलिज्म तो नहीं आएगा, लेकिन आप जो है आगे जो जीवन में करना चाहते हैं उसमें आपको इससे हेल्प मिलेगी। फिर नेट क्वालिफाई करने के लिए आप आके बाद आप कहीं ना कहीं कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लग सकते हैं, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी ट्यूस में टीचर बन सकते हैं। अब देखिए जो टीचर होता है वो एक प्रोफेशनल होता है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, सीए है, आर्किटेक्ट है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ाई करके उसमें मास्टरी हासिल करता है। आरओ आरओ किसी फील्ड में मास्टर नहीं होता, बस उसको चेक कर लिया जाता है कि हाँ वो एक ठीक तरीके का व्यक्ति है। इस मीन उसके पास क्या है, अपने काम को करने की काबिलियत है, उसके अंदर अपनी कोई स्किल इस तरीके से नहीं होती जिसकी वजह से उसको जाना जाए या पहचाना जाए। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को उसकी जॉब की वजह से नहीं पहचाना जाता कि वो कहीं जॉब करता है हॉस्पिटल में या कहीं, डॉक्टर को पहचाना जाता है उसके अंदर जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि उसके अंदर जो डॉक्टर है, डॉक्टरी है, उसको ठीक करने के लिए जो काबिलियत है उसी वजह से उसको पहचाना जाता है। इंजीनियर को ये नहीं पहचाना जाता कि वो जॉब कर रहा है या क्या कर रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि उसके अंदर स्किल क्या है। आरओ आरओ में आपको एक काम दिया जाएगा, आपको वो काम करना है बस, वो काम करने के लिए आप मुफीद हो या नहीं ये टेस्ट दिया जाता है, उस टेस्ट के माध्यम से आपको ये कहा जाता है। आपको लगता होगा इसमें पावर वावर होती होगी, आपको कोई कहीं ना कहीं सामाजिक रुतबा बहुत ज्यादा मिल जाएगा, नॉर्मल पोस्ट होती है क्लरिकल से हल्के से ऊपर, वो आप इसे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने आपको बेस बता दिया, यदि आपके पास फाइनेंशियली ज्यादा दिक्कत है तो आप आरओ एआरओ की तैयारी कीजिए, और यदि आप टाइम कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तो आप नेट की तैयारी कीजिए। होपफुली आप मेरी जो बात है वो आसानी से समझ गए होंगे, मुझे और कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की अब शायद आवश्यकता नहीं है। गॉट माय पॉइंट शॉकिंग, कोई इश्यू तो नहीं है। मैंने आपको एक सिंपल लॉजिक बताया है, वो सिंपल लॉजिक के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों टेंस किए थे, आज हम एक नया टेंस स्टार्ट करें, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। आज हम एक नया टेस्ट स्टार्ट करें, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर,
शॉकिंग, थैंक यू रिप्लाई करने के लिए। हाँ देखिए, अब दो टेंस हम पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, पहले इन दोनों की वर्ब समझ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में एक खास बात यह है कि ये अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, सेकंड फॉर्म लेता है, और यदि डिड लगा हुआ है तो ये वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लेगा, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पॉजिटिव सेंटेंस में, जो भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है माय डियर, तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। होपफुली ये बेसिक बात आपको समझ आ रही होगी। मैंने आपको कहा है पास्ट इंडेफिनिट में यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें वर्ब और सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। डिड में क्या होता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आती है जब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। जैसे पास्ट परफेक्ट में कोई टेंशन नहीं है, कोई भी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, सबके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कोई सा भी टेंस हो, सबके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब बेसिक बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, आपको शायद पता हो या ना पता हो, मैं बता देता हूँ। देखिए, जब पास्ट परफेक्ट होता है ये क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। ये इनकी सबसे पहली खासियत है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल में बात बताऊं, आपने कहा कल मैंने बाइक खरीदी, कल मैंने बाइक खरीदी, कल आपने बाइक खरीदी, बाइक खरीदी, और आपसे पूछा भाई कल तो तूने फोन भी खरीदा, तो आप बोलोगे हाँ पहले मैंने फोन खरीदा उसके बाद बाइक खरीदी। यानी कि आपको अगर बताना हो तो आप उसको कहीं ना कहीं ऐसे बता सकते हो, पास्ट में दो काम हुए तो पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ। जैसे आप ये कह सकते हैं, बाइक खरीदने के बाद या बाइक खरीदने से पहले मैंने मोबाइल फोन भी खरीदा। तो पास्ट में एक बात बताई, बाइक खरीदी कल, और उससे पहले भी आपने एक काम बताया कि उससे पहले मैंने मोबाइल खरीदा। तो पास्ट के भी पास्ट में जाके जब आप एक बात बताते हो तो वो किस में बनती है माय डियर, पास्ट परफेक्ट में बनती है। इसीलिए पास्ट परफेक्ट को अगर कोई आपसे जीवन में कभी भी पूछे कि व्हाट इज पास्ट परफेक्ट, तो आपको सिंपली ये बताना है कि इट इज पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। देखो, पास्ट में इंडेफिनिट में भी कार्य पास्ट में होगा और पास्ट परफेक्ट में भी कार्य पास्ट में होगा। तो जब दोनों ही टेंस में कार्य पास्ट में होता है तो हमें ये समझना होता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर क्या है, वो नीचे लिखा हुआ है। जो पास्ट इंडेफिनिट है वो यूज होता है सिंगल एक्शन में। जब पास्ट में आपको कोई एक ही काम बताना हो तो आप यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। जैसे कल मैंने खाना खाया, एक ही काम बताया, तो वो किस में यूज होगा माय डियर, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज होता है फिर, पास्ट परफेक्ट होता है जब कहीं पर कहीं ना कहीं कितने एक्शन हो, दो एक्शन हो, डबल एक्शन हो। तो जब डबल एक्शन बताने हो तो माय डियर आता है पास्ट परफेक्ट, और जब सिंगल एक्शन बताने हो तो माय डियर क्या आता है, आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंगल एक्शन मैंने अभी बताया, कल मैंने खाना खाया, तो पास्ट इंडेफिनिट है। कल मैंने खाना खाने से पहले क्रिकेट मैच भी खेला, तो डबल एक्शन है। एक तो मैंने खाना खाया और एक मैंने कहीं ना कहीं क्रिकेट खेला। तो जब डबल एक्शन होंगे तो सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो मैंने आपको भी बात बताई, पास्ट परफेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट होता है। आपसे पूछे कि भाई पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या फर्क होता है, तो आप कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट जो है, पास्ट परफेक्ट जो है, वो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट होता है। आपको अगर बात समझ नहीं आ रही तो थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए।
इसी तरीके से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया, एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या दिया, एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया, एक मिनट, एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया आई हैड, मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया आई हैड टेकन फूड लास्ट इवनिंग, आई हैड टेकन फूड लास्ट इवनिंग। अब देखिए मैंने हैड के साथ क्या लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई, और अभी आपने ऊपर की तरफ देखा, अभी आपने ऊपर देखा माय डियर, अभी आपने ऊपर देखा कि कहीं ना कहीं पास्ट परफेक्ट जो है, जो पास्ट परफेक्ट है माय डियर, वो कहीं ना कहीं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ लेता है। अब हेड प्लस थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है, पास्ट परफेक्ट के साथ। लेकिन आप जानते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म तब आएगी, यानी कि पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस तब बनेगा जब क्या हो रहा हो आपके पास, डबल एक्शन हो रहा हो। पास्ट परफेक्ट कब बनेगा, जब आपके पास डबल एक्शन हो रहा हो। आपने देखा आई हैड टेकन फूड लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग का मतलब क्या है, लास्ट इवनिंग का मतलब होता है कल शाम, लास्ट का मतलब अंतिम नहीं होता, लास्ट का मतलब कल भी होता है, जो कल आपकी चली गई। जैसे लास्ट वीक, आप कहें लास्ट वीक, तो लास्ट वीक का मतलब है जो पिछले हफ्ते हुआ, तो लास्ट इवनिंग का मतलब है कल शाम, अंतिम शाम नहीं, हो सकता है उसके बाद वो मर गया इसलिए लास्ट लिखा हो, नहीं, अंतिम शाम। लास्ट डे का मतलब ही क्या होता है, यस्टरडे। तो लास्ट इवनिंग का मतलब है कल शाम, कल शाम से मुझे पता चल गया सेंटेंस कहाँ बनेगा भाई, पास्ट में। और जब भी सेंटेंस पास्ट में बनेगा तो आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि वहां पर डबल एक्शन हो रहा है या सिंगल एक्शन हो रहा है। इन दोनों में से जब भी आपको वहां पर जो चीज मिल जाए उसी के अनुसार सेंटेंस बनाना है। तो कल मैंने खाना खाया तो मुझे पता लगा कि यहाँ इस सेंटेंस में सिर्फ क्या हो रहा है, एक सिंगल एक्शन है। जब एक सिंगल एक्शन है तो सिंगल एक्शन कहता है कि सिंगल एक्शन कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं बन सकता, क्योंकि हैड प्लस टेकन लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट हमेशा गलत होता है सिंगल एक्शन में। सिंगल एक्शन में क्या बनता है माय डियर, सिंगल एक्शन में बनता है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट। सिंगल एक्शन में क्या बनता है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंगल एक्शन की वजह से ये हैड टेकन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट की वजह से सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी माय डियर, सेकंड फॉर्म लगेगी। तो आई हैड टेकन फूड की जगह बस क्या हो जाएगा, आई टुक फूड, यस आई टुक फूड लास्ट इवनिंग, आई टुक फूड लास्ट इवनिंग। अब आप लोग कहेंगे कि सर टुक क्यों लगाया, डिड क्यों नहीं लगाया। देखिए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आती है, यानी कि या तो नकारात्मक हो सेंटेंस या क्वेश्चन प्रश्नवाचक हो। तो आप देखेंगे ना तो इसमें कहीं नोट लगा हुआ, ना ही कहीं इसमें इंटेरोगेशन हो रही, तो इसीलिए ये एक सिंपल सेंटेंस था, पॉजिटिव सेंटेंस था। और पॉजिटिव सेंटेंस में कहते हैं कि सिर्फ वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, इसीलिए हैड टेकन गलत हो गया और उसकी जगह पे सिर्फ क्या आ गया, टुक आ गया। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी डिटेल आपको एग्जाम में मिलेंगी, इन एग्जाम की डिटेल्स को आपको पढ़ ध्यान में रखना है, और जब आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप वहां पर जो भी एरर होगा उसको ठीक कर पाएंगे। तो क्योंकि सिंगल एक्शन था तो सिंगल एक्शन की वजह से हैड टेकन रॉन्ग हो गया, और उसकी जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, टुक लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अब माई टीचर हैज रिटन अ बुक लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब हो गया पिछले साल। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं जी पास्ट परफेक्ट बड़ा पास्ट होता है और पास्ट इंडेफिनिट छोटा पास्ट होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए बड़ा छोटा कोई पास्ट नहीं होता, आपको सिर्फ एक्शंस पे ध्यान देना है, व्हाट इज द एक्शन। अब देखिए पिछले साल मेरे टीचर ने क्या लिखी, एक बुक लिखी, तो मेरे टीचर ने पिछले साल कितने काम किए भाई, मेरे टीचर ने पिछले साल एक ही काम किया कि उसने बुक लिखी। तो जब उसने बुक लिखी तो बुक लिखने का एक ही काम है, तो यानी कि ये क्या है, सिंगल एक्शन। और सिंगल एक्शन कहता है कि वो कभी भी किसी और टेंस में नहीं बन सकता, यदि पास्ट में कोई और काम हुआ है और वो एक ही काम है तो माय डियर, तो सिंगल एक्शन हमेशा किस में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में बनने की वजह से ये हैज रिटन क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, और इसकी जगह सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी रोट। तो माई टीचर रोट, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं दो पिछले साल एक ही काम किया बुक लिखने का, तो जब पास्ट में एक ही काम होगा तो वो हमेशा किस में बनेगा माय डियर, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हैज रिटन का क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा। तो आप कुछ भी बोले,
तो दिस विल चेंज इनटू रॉट, दिस विल चेंज इनटू रॉट, पास्ट इंडेफिनिट ये टेंस है माय डियर, तो दिस विल चेंज इनटू रॉट। तो आप डेफिनेटली इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जब भी सिंगल एक्शन होगा तो वो हमेशा कहीं ना कहीं किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। दूसरी बात, आपको पता कैसे चलेगा सर पास्ट में है, उसमें कोई ना कोई वर्ड दिया गया होगा जिससे पास्ट का पता चलेगा, जैसे लास्ट ईयर है इसका मतलब पास्ट है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपने देखा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट इवनिंग, तो लास्ट इवनिंग का मतलब क्या, पिछली शाम। तो ऐसा कोई ना कोई शब्द आपको जरूर दिया जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि सेंटेंस कहाँ बना हुआ है, पास्ट में बना हुआ है। अब इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े, अब क्या है, सिंगल एक्शन तो आप इजीली पहचान लेंगे। शौकीन, क्या आप सिंगल एक्शन वाले सेंटेंस को अब आसानी से पहचान पाएंगे या नहीं, यस और नो? आर यू गेटिंग माई वॉइस मिस्टर शौकीन? अगर कोई सेंटेंस सिंगल एक्शन में पास्ट में दिया हुआ है, यदि कोई सिंगल एक्शन का सेंटेंस पास्ट में दिया हुआ है तो आप डेफिनेटली उसको किस में बना देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। इसी तरीके से अब दूसरी कॉर्नर पे बात करते हैं, इफ टू एक्शंस आर गिवन इन अ पास्ट, इन पास्ट। अभी सिंगल एक्शन है, सिंगल एक्शन आप इजीली कहीं ना कहीं बता देंगे, अगर वो पास्ट में है तो तुरंत उसको पास्ट में बना देंगे। लेकिन यदि दो एक्शन दिए हों और पास्ट में दिए हों, यदि दो एक्शन दिए हों और पास्ट में दिए हों तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए उसमें दो कंडीशन होती हैं, यदि पास्ट में दो एक्शन दिए हुए हैं तो वहां पर दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट कंडीशन है बोथ हैपेंड एट द सेम टाइम, यदि कहीं ना कहीं दोनों क्वेश्चंस यानी कि दो एक्शन हुए पास्ट में, अब पास्ट में यदि दो काम हो रहे हैं तो उनकी दो ही संभावनाएं हैं, पहली कि वो दोनों एक साथ हो रहे हों, ठीक है, दो काम अगर हो रहे हैं तो दोनों क्या हो सकते हैं, एक साथ हो रहे हों। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों में से एक काम पहले हो रहा हो और एक काम बाद में हो रहा हो, ठीक है, कोई भी दोनों में से एक काम पहले हो रहा हो, दूसरा काम बाद में हो रहा हो, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बचती है, या तो दोनों में से एक काम पहले हो रहा होगा एक बाद में हो रहा होगा, या दोनों काम एक साथ हो रहे होंगे। इन दोनों ही सिचुएशंस के लिए सेंटेंस यहाँ पर बना हुआ है, उन दोनों ही सेंटेंस के लिए अलग अलग तरीके से चीजें दी गई हैं। जैसे अगर दोनों एक्शन पास्ट में है और दोनों एक्शन की पहली कंडीशन है दोनों किस टाइम पे हो रहे हो, बोथ हैपन एट द सेम टाइम, नो टाइम गैप, यानी कि दोनों एक्शंस के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं है और दोनों एक ही टाइम पर हो रहे हो, तो वो कहते हैं देन बोथ क्लोज विल बी इन पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए ये एक एक्सेप्शन है, आप अभी कहेंगे सर अभी तक आप ये पढ़ाते आ रहे थे सिंगल एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा और सिंगल एक्शन नहीं है तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा। बिल्कुल सही बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि वो दोनों एक ही टाइम पर हो रहे हैं, बोथ हैपन एट द सेम टाइम, जब दोनों एक ही टाइम पर हो रहे हैं उनके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं है, तो माई डियर वो कहते हैं कि उसको किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि इनका जहां तक मेरा इरादा है, इन्होंने यानी कि ग्रामर बनाने वालों ने जब तक ये नहीं जाए जब तक ये सोचा कि भाई जब दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हो तो उसको डबल एक्शन ना मान के सिंगल एक्शन ही मान लेते हैं, एक ही टाइम पे तो हो रहे हैं तो इसीलिए दोनों को किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे एक सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको दिया, व्हेन आई रीच्ड होम आई सॉ माय फादर टेकिंग टी। अब आप कहेंगे सर इसमें हमें कैसे पता चल रहा दोनों काम एक साथ हो रहे हो, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपकी रीडिंग अभी उतनी ज्यादा नहीं है, जब रीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एक्शन कैसा है। जब आप घर पहुंचे तो घर पहुंचे तो कैसे पहुंचोगे, आप जैसे घर पहुंचे गेट खोला तो गेट खोलते ही आपको सामने ही क्या दिखेगा, पिताजी चाय पी रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप पिताजी को ढूंढोगे और उन्हें चाय पिलाओगे फिर उन्हें देखोगे देखो मैं घर आ गया और मैंने उन्हें चाय पीते हुए देखा, सिंपली आपने गेट खोला देखा ड्राइंग रूम में डैडी बैठे हुए चाय पी रहे हैं, तो यही तो बात है, आपने गेट खोला आप घर पहुंचे तुरंत आपने देख लिया कि पिताजी चाय पी रहे हैं, आप घर पहुंच भी रहे हो पिताजी चाय पी भी रहे हैं, तो दोनों काम कैसे हो रहे हैं माय डियर, एक ही टाइम पर हो रहे हैं। तो जब दोनों एक ही टाइम पर हो रहे हैं तो ये कहते हैं कि दोनों क्लोज किस में बननी चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में बननी चाहिए। और पास्ट इंडेफिनिट में बनने का मतलब क्या है, या तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या फिर सिर्फ सेकंड फॉर्म आए वर्ब की, तो सेकंड फॉर्म आए। अब आपने देखा व्हेन आई रीच्ड होम, तो यहाँ पे आपने रीच्ड को देखा, रीच्ड के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं तो ये कैसी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई। आई सा मतलब सी की सेकंड फॉर्म ये हो गई आई सा,
सेकेंड फॉर्म ये हो गई सी की। तो व्हेन आई रीच्ड होम आई सॉ माय फादर टेकिंग टी, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा पिताजी चाय पी रहे थे। जब मैं घर पहुंचा मैंने देखा पिताजी चाय पी रहे थे। तो अब आप देखेंगे अबाउट सेंटेंस बोथ एक्शन हैपन एट द सेम टाइम, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि दोनों एक्शन सेम टाइम पर हुए हैं। तो जब दोनों एक्शन सेम टाइम पर हुए तो दोनों में ही पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट में बनाने का तरीका क्या है कि दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड भी है, सा की सेकंड फॉर्म सी की सेकंड फॉर्म सा भी है। तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में है, इसीलिए सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नो एरर, यानी कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि डू यू गेट माई पॉइंट? आपकी तरफ से ना तो कोई रिप्लाई आ रहा है और ना इंटरेक्शन हो रहा है। इज एवरीथिंग ऑल राइट? यू आर गेटिंग माई वॉइस एंड यू आर द स्क्रीन इज विजिबल टू यू? नो, यानी कि वॉइस नहीं आ रही है या स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही है आपको? इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे उसने कहा एज सून एज द पियोन रैंग द बेल द स्टूडेंट लेफ्ट देयर क्लासरूम। अब देखिए जैसे ही इस ये जो एज सून एज लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ज्यों ही। इसका मतलब क्या होता है माय डियर? ज्यों ही। इसका मतलब है ज्यों ही। एज सून एज द पियोन रैंग द बेल द स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर क्लासरूम। ज्यों ही चपड़ासी ने घंटी बजाई सभी बच्चों ने अपना क्लासरूम छोड़ दिया। अब देखिए ज्यों ही लिखने का मतलब क्या है? ज्यों ही लिखने का मतलब है जैसे ही घंटी बजी, यानी कि बिना कुछ देरी किए बच्चों ने क्या किया? अपना क्लासरूम छोड़ दिया। ज्यों ही टीचर ने ज्यों ही चपड़ासी ने घंटी बजाई तो बच्चों ने अपना क्लासरूम तुरंत छोड़ दिया। कोई भी गैप नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटेंस लिखा गया है ज्यों ही, ये ज्यों ही का मतलब ये है कि कोई टाइम गैप है ही नहीं। तो इसीलिए आपने देखा कोई भी टाइम गैप नहीं है, नो टाइम गैप। तो जब कोई भी टाइम गैप नहीं होता माय डियर, तो आप देखेंगे दोनों के दोनों सेंटेंस किसमें बनने चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में बनने चाहिए। जब कोई भी टाइम गैप ना हो तो दोनों सेंटेंस किसमें बनेंगे माय डियर? पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में बनाने का मतलब है दोनों सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होनी चाहिए। तो जब दोनों क्लोज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी तो आप देखेंगे एज सून एज द प्योन यहाँ पे क्या आ गया? रैंग आ गया। रैंग जो होता है माय डियर वो रिंग की सेकंड फॉर्म होती है, रिंग रैंग। तो रैंग यहाँ पर आपने लगाया तो ये ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है रैंग, तो ये तो सही हो गया। आगे आपने देखा द स्टूडेंट्स लेफ्ट। अब लेफ्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्या होता है माय डियर? लीव की सेकंड फॉर्म होती है। लीव की क्या होती है? सेकंड फॉर्म। तो वो ऑलरेडी लगी हुई है लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जब दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और हमें पता है कि जब सेंटेंस दो एक्शंस के बीच में कोई भी टाइम गैप ना हो तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं, तो ये वाला सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में है और ये वाला सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जब दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नो एरर, नो टाइम गैप। तो ये भी कैसा हो गया? नो एरर। तो मैं आपको ये पहचान कराना चाह रहा हूं कि कैसे टाइम गैप नहीं होता है। और जब भी टाइम गैप नहीं होगा तो वहां पर आपको दो तीन वर्ड लिखे हुए मिलेंगे, एज सून एज, वेन या वाइल। इस तरीके के शब्द आपको वहां देखने को मिलेंगे, एज सून एज, वेन और वाइल। जब भी ये सेंटेंस में लगे हुए होंगे तो आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं नो टाइम गैप वाले सेंटेंस है। थर्ड एग्जाम्पल लिखा हुआ है एज सून एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वो घर पहुंचा उसके पिताजी ने उसे डांटना शुरू कर दिया। जैसे आपको नहीं डांटते, कहाँ रह गया था, ना लाया, कितनी देर होगी, फोन भी नहीं मिल रहा, क्या कर रहा था। तो इस तरीके से घर पहुंचते ही आपको क्या कर दिया? डांटना शुरू कर दिया। और जब डांटना शुरू कर दिया तो घर पहुंचते ही डांटना शुरू कर दिया। अगर आप सेंस नहीं निकाल सकते तो इस वर्ड से पता कर लेना, एज सून एज, इसका मतलब अभी मैंने बताया ज्यों ही। तो ज्यों ही घर पहुंचा तो यानी कि कोई टाइम नहीं दिया, तुरंत डांटना शुरू कर दिया।
जब कोई टाइम गैप नहीं है और दोनों एक्शन के बीच में कोई टाइम गैप नहीं है, तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में बनने का मतलब है दोनों वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म आएंगी। तो ही रीच्ड सेकंड फॉर्म है, ये वाला पार्ट करेक्ट हो गया। हिज फादर स्टार्टेड, फादर ने स्टार्ट की जगह स्टार्टेड यूज किया, तो ये भी सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। तो दोनों के दोनों सेंटेंस क्लोजेज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा आपका? नो एरर, क्योंकि एज सून एज एक ऐसा वर्ड है जो टाइम गैप को नहीं दर्शाता। तो जब टाइम गैप नहीं होगा माय डियर, तो आपको निश्चित रूप से उसे किस में बनाना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। क्लियर है? दारिम शौकीन, इज दैट क्लियर? अब क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी दूसरी वाली कंडीशन पे बात करते हैं। यदि सेंटेंस में क्या हो, टाइम गैप हो, इफ वन एक्शन हैपन्ड एट अर्लियर एंड ले अदर हैपन्ड लेटर देन। अब ये कह रहे हैं यदि एक एक्शन पहले हुआ हो और एक एक्शन बाद में हुआ हो, एक एक्शन यदि पहले हुआ हो और एक एक्शन यदि बाद में हुआ हो, तो इस स्थिति में क्या करना है? तो उस स्थिति में देखिए, जो पहला एक्शन होगा और जो बाद वाला एक्शन होगा, उन दोनों के साथ कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे अब आपको पता है एक ना एक कार्य जो होगा वो पहले होगा, अर्लियर एक्शन। अर्लियर एक्शन का मतलब है प्रिसीडिंग एक्शन। प्रिसीडिंग एक्शन यानी कि जो कार्य पहले हुआ। जैसे आपने सेंटेंस बोला मैंने बाइक खरीदने से पहले मोबाइल खरीदा, तो अब आपको पता है कि पहले मोबाइल खरीदा गया है, बाद में बाइक खरीदी गई है। बात समझ में आई? आपने कहा बाइक खरीदने से पहले मैंने मोबाइल खरीदा, तो इसका मतलब मोबाइल पहले खरीदा गया था, बाइक बाद में खरीदी गई। तो मोबाइल जो खरीदना है वो अर्लियर एक्शन है, और जो बाइक खरीदी गई है वो लेटर एक्शन है। तो लेटर एक्शन और अर्लियर एक्शन, सक्सीडिंग एक्शन, प्रिसीडिंग एक्शन, तो ये आपको दोनों को ध्यान रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अब अगर अर्लियर एक्शन है, जो अर्लियर एक्शन होगा माय डियर, जो कार्य पहले हुआ वो कहीं ना कहीं किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। और जो कार्य बाद में हुआ, लेटर एक्शन, जो कार्य बाद में होगा वो किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। जो कार्य पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो कार्य बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल नीचे कोट किया है, आप देखेंगे आई मेट द मैन हु गेव दिस बुक टू मी अ वीक एगो। आई मेट द मैन हु गेव दिस बुक टू मी अ वीक एगो। इस सेंटेंस की हिंदी में आपको बताता हूं। मैं उस व्यक्ति से मिला जिसने मुझे किताब 1 महीने 1 हफ्ता पहले दी थी। मैं उस आदमी से मिला जिसने मुझे यह किताब 1 हफ्ते पहले मिली थी। अब आपको ये पहचानना है कि इसमें दो एक्शन है या नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको यही पहचाननी है कि क्या इसमें दो एक्शन है या नहीं है। आपने देखा कि भाई दो एक्शन तो इसमें है। दो एक्शन क्या है? पहला एक्शन तो ये है कि भाई मैं एक आदमी से मिला। मिलना भी एक्शन है, भले आप उससे सिर्फ मिलके हाय हेलो करके ही आ गए, लेकिन मिलना भी कहीं ना कहीं क्या है? एक एक्शन है। तो मैं एक आदमी से मिला, और वो आदमी कौन था माय डियर? वो आदमी वो था जिसने मुझे 1 हफ्ते पहले दो किताब जिसने मुझे 1 हफ्ते पहले एक किताब दी थी। तो 1 हफ्ते पहले उसने एक किताब आपको दी थी। अब देखिए यहाँ पर पास्ट में दो काम हो रहे हैं। पहला काम हो रहा है आप किसी व्यक्ति से मिले, और आप जिस व्यक्ति से मिले उसने 1 हफ्ते पहले आपको एक किताब दी थी। तो किताब देना एक एक्शन है, उस व्यक्ति से मिलना एक एक्शन है, तो ये दो एक्शन हो गए। अब जब दो एक्शन हो गए, तो अब आपको ये पता करना है पास्ट में कि पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ। तो आपने देखा, आपने कहा मैं उस व्यक्ति से मिला, मैं एक व्यक्ति से मिला, बड़ी अच्छी बात है, और मैं वो व्यक्ति वो था जिसने मुझे 1 हफ्ते पहले क्या दी थी? किताब दी थी। तो इसका मतलब यहाँ पर मिलना बाद में हुआ है और किताब उसने 1 हफ्ते पहले दे दी थी। तो किताब देने का जो काम हुआ है वो 1 हफ्ते पहले हुआ है, और उस व्यक्ति से मैं बाद में मिला हूँ। तो यहाँ से मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि व्यक्ति से मिलना लेटर एक्शन है, और बुक का मिलना कहीं ना कहीं अर्लियर एक्शन है। पहले किताब मिली है, उसके बाद में उस व्यक्ति से मिला। अब आपको पता है जो अर्लियर एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो लेटर एक्शन है
वो पास इंडेफिनिट में बनेगा। तो अर्लियर एक्शन था किताब मिलना, तो किताब मिलने में वो कहते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, क्योंकि वो बनता है पास्ट परफेक्ट में अर्लियर एक्शन, और पास्ट परफेक्ट कहता है कि मैं अपने साथ लेता हूँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये गेव गलत हो जाएगा, इसकी जगह आपको यूज करना पड़ेगा हेड, और हेड के साथ गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा और गेव की जगह क्या हो जाएगा हेड गिवन। आई मेट द मैन हु हैड गिवन दिस बुक टू मी अ वीक एगो, यानी कि मैं उस व्यक्ति से मिला जिसने मुझे ये किताब एक हफ्ते पहले दी थी। मैन लेटर एक्शन, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं शौकीन, मैन से मिलना लेटर एक्शन है। तो ये मैंने डिसाइड किया कि जब भी पास्ट में दो एक्शन होंगे, पास्ट में जब भी दो एक्शन होंगे तो जो अर्लियर एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो लेटर एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। लेटर एक्शन है व्यक्ति से मिलना, आप देखेंगे यहाँ पर मीट की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म दी गई है मेट, मीट की सेकंड फॉर्म क्या दी गई है मेट, तो मेट जो होती है सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में आती है दैट इज पास्ट इंडेफिनिट, और जब पास्ट इंडेफिनिट में आती है तो ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि ये वाला पार्ट तो सही है, सिर्फ आपको ये जो लेटर वाला पार्ट है अर्लियर वाला पार्ट है गिव, गिव नहीं आएगा उसकी जगह पे, क्योंकि ये अर्लियर एक्शन है और अर्लियर एक्शन बनता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट के अनुसार गिव नहीं आएगा, हैड गिवन आना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही होगा। तो हु हैड गिवन दिस बुक टू मी अ वीक एगो, तो ये सेंटेंस यहाँ पर आएगा हैड गिवन। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ही सेड दैट ही लॉस्ट हिज बैग्स, उसने कहा कि उसने अपना बैग खो दिया। अब आप खुद सोचिए, एक तो उसने बात कही, बात कहना भी एक्शन है, और उसने क्या बात कही कि उसने अपना बैग खो दिया। अब यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या लेटर एक्शन है और क्या अर्लियर एक्शन है। जब आप ये पहचान जाएंगे कि लेटर और अर्लियर एक्शन क्या है, सेंटेंस अपने आप ठीक कर देंगे। अब देखिए, उसने कहा उसने अपना बैग खो दिया, तो बताइए क्या ये बात अपना बैग खोने से पहले कह सकता है कि मैंने अपना बैग खो दिया? नहीं, वो हमेशा इस बात को तभी कहेगा जब उसने अपना बैग खो दिया हो। तो जब उसने अपना बैग खो दिया तभी उसने कहा, तो कहना बाद में हुआ और कहीं ना कहीं बैग खोना पहले हुआ, तो जो अर्लियर एक्शन है वो है लॉस्ट हिज बैग, और उसने ये बात कही, ये कहीं ना कहीं क्या है लेटर एक्शन है, पहले वो बैग खोएगा और उसके बाद वो कहेगा। तो लेटर एक्शन किस में बनता है भाई? पास्ट इंडेफिनिट में। आपने देखा कि से की सेकंड फॉर्म यूज हुई है सेड, से की सेकंड फॉर्म क्या होती है सेड, सेड उसने कहा, तो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है तो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये वाला पार्ट तो करेक्ट है। अर्लियर एक्शन जो है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में। आपने देखा यहाँ तो लॉस्ट लिखा हुआ है और लॉस्ट के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि हैड नहीं है, तो ये वाला पार्ट रॉन्ग है। लॉस्ट के पहले हैड लगाना पड़ेगा, और लॉस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, तो थर्ड फॉर्म भी सेम है, तो लॉस्ट लगा दिया हैड लॉस्ट, तो लॉस्ट की जगह पे क्या हो जाएगा हैड लॉस्ट, क्योंकि हमें सेंटेंस को किसमें बनाना था? पास्ट परफेक्ट में। क्योंकि यहां पर दो एक्शन है, एक उसने कहा और दूसरा उसने जो कहा। पहला कहा, उसने कहा कि उसने अपना बैग खो दिया, तो वो जब ही कहेगा जब वो कहीं ना कहीं अपना बैग खो चुका हो, तो खोने का एक्शन अर्लियर एक्शन है, और अर्लियर एक्शन बनता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसीलिए हेड लॉस्ट करना पड़ेगा इस लॉस्ट की जगह। सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज बैग, उसने कहा कि उसने अपना बैग खो दिया है। इसमें और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप पहले से ही पढ़ते आए हैं कि इंडेफिनिट टेंस के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ गया तो वो भी किस में चेंज हो जाता है? परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और क्योंकि अब हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो इसीलिए वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। यदि पास्ट इंडेफिनिट के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ गया तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। जैसे ही डिड नॉट डू दिस सिंस मंडे, उसने मंडे से ये काम नहीं किया है। अब देखिए, है तो सिंगल एक्शन, लेकिन क्योंकि इसमें क्या आ गया है? टाइम एक्सप्रेशन आ गया है, तो टाइम एक्सप्रेशन ये डिड नॉट डू, अभी मैंने बताया डिड किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। डिड किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट के साथ आपने देखा कि टाइम एक्सप्रेशन जुड़ चुका है, तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट के साथ टाइम एक्सप्रेशन आएगा तो वो किस में बन जाता है माय डियर? परफेक्ट में। और क्योंकि पास्ट टेंस है तो इसीलिए किसके परफेक्ट में बनेगा? पास्ट के परफेक्ट में।
तो डिड नॉट डू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसकी जगह पे सेंटेंस में क्या लगाना पड़ेगा, हैड नॉट डन। हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा के इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो ही डिड नॉट डू दिस सिंस मंडे, इसकी जगह पे सेंटेंस हो जाएगा ही हैड नॉट डन दिस सिंस मंडे। क्यों? क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन भी सेंटेंस को किस में ले जाता है, परफेक्ट में ले जाता है, भले ही वो सिंगल एक्शन हो। एक और एग्जांपल है, आप देखिए, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ईयर 2008, इसमें टाइम दिया गया है, लेकिन टाइम के पहले सिंस या फोर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा माय डियर, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो ये कोई प्रभाव नहीं डालता सेंटेंस पे। अब देखिए उन्होंने लिखा ऑल ऑफ अस हैड विजिटेड द ताज इन ईयर 2008, इसने कहा कि हमने 2008 में ताजमहल को विजिट किया। जब 2008 में आपने ताजमहल को विजिट किया माय डियर, तो आप मुझे बताइए 2008 ना तो टाइम एक्सप्रेशन है और ना ही ये बता रहा है कि 2008 में आपने कोई दो काम किए, 2008 में आपने सिर्फ एक ही काम किया और वो काम किया ताजमहल को विजिट करने का, यानी कि सिंगल वर्क। तो जब सिंगल वर्क किया तो ये कहते हैं सिंगल अगर एक्शन है और वो पास्ट में कभी भी हुआ है तो वो कभी भी परफेक्ट में ही बन सकता। तो हैड विजिटेड नहीं आना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, विजिट की सेकेंड फॉर्म आएगी विजिटेड, हैड डिलीट हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा माय डियर, विजिटेड। All of us visited the Taj in the year 2008. मैं हम सब ने 2008 में ताजमहल को विजिट किया। सिर्फ इतना सेंटेंस आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको कोई डाउट है आज की क्लास में तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में जो मुझे पढ़ाना था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। If there is anything I can help you, तो प्लीज आप मुझे बताइए, अदरवाइज क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं।